वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज, आप सभी को पता ही होगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना तेज है। कोई ब्रांड 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है तो कोई ब्रांड 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। इस कंपटीशन के बीच में नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और अब 2019 का फाइनल मंथ यानी कि दिसंबर आने वाला है। इस महीने में हमें कौन से ब्रांड के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप ऑलरेडी कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और वो ठीक तरीके से चलता है, वो चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को आदत सी हो गई है हर 3 महीने में एक नया स्मार्टफोन लेने की, तो ये चीज अच्छी नहीं है। पैसे बहुत ही मेहनत से आते हैं, प्लीज उसे बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि बार बार नया स्मार्टफोन लेने से किसी की जिंदगी बदल तो नहीं जाती है। अगर वाकई में आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है तभी आप स्मार्टफोन लीजिए। कहने का मतलब यही है, इस वीडियो को आप उसी पर्पस के साथ देखना, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है और मोबाइल कंपनियों के बीच में कंपटीशन कहां से कहां तक पहुंच चुका है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइए। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है ओप्पो K5। चाइना में ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और दिसंबर के महीने में ये फ़ोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। ये फ़ोन 18 से 20 हज़ार के प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, 4000 mAh बैटरी विथ 30 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, प्राइस देखनी होगी किस प्राइस पॉइंट पर ओप्पो इस फोन को लॉन्च करता है। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है ओप्पो रेनो एस। इसमें आपको मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, 4000 mAh की बैटरी और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा जो डिस्प्ले होगी वो होगी 6.5 इंच की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ और सुपर एमोलेड पैनल। तो ये है ओप्पो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो दिसंबर के महीने में कभी भी लॉन्च हो सकता है। अगला जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A51। ये फ़ोन A50s का अपग्रेडेड वर्जन होगा। यहाँ पर कैमरा सेक्शन को अपग्रेड किया जाएगा और साथ में आपको मिलेगा पंच होल डिस्प्ले और एल शेप में क्वाड कैमरास का सेटअप। इस फ़ोन का प्राइस 25,000 के आसपास हो सकता है। अगला जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी XT730G। इस फोन का काफ़ी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चाइना में ये फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस फ़ोन का जो प्राइस है चाइना में 16,000 के आसपास और बताया जा रहा है ये फ़ोन इंडिया में 17,000 से 18,000 के आसपास लॉन्च हो सकता है। और इस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस फ़ोन में जो प्रोसेसर होगा वो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली गेमिंग के लिए कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, बाकी सेम ये फोन रियलमी XT जैसा ही होगा। अब बात करते हैं ऑनर की तरफ से, तो ऑनर की तरफ से दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक है ऑनर 9X और दूसरा है ऑनर 9X प्रो। ये फ़ोन अच्छी प्राइस के साथ आ जाते हैं, तो ये फ़ोन रियलमी, शाओमी और सैमसंग के फ़ोन्स को पूरी तरीके से कंपटीशन देगा। रिपोर्ट्स की माने तो ऑनर 9X 14,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, जिसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले, पॉपअप एलिवेटिंग सेल्फी कैमरा और ये फ़ोन सबसे पहला ऐसा फ़ोन होगा जिसमें आपको सबसे कम प्राइस में पॉपअप एलिवेटिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको मिलती है ग्लास बिल्ड क्वालिटी, किरिन 810 चिपसेट और ये प्रोसेसर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 130 से भी पावरफुल हैं। तो अगर ओनर इस फोन को Redmi Note 8 Pro और Realme XT से कम प्राइस में लॉन्च करता है, तो ये फोन Redmi और Realme के मार्केट को कैप्चर कर सकता है। अगला जो स्मार्टफोन है वो है Poco F2।
इस फोन का काफी सारे लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब पोको F1 इंडिया में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845 एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था जो सबसे कम प्राइस में शाओमी ने ऑफर किया था। अब इसी रीत को आगे बढ़ाते हुए शाओमी पोको F2 इंडिया में लॉन्च करने वाला है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, और वो भी सबसे कम प्राइस में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। बाकी दोस्तों, मुझे इस फोन के बारे में कोई भी और अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। अगला जो स्मार्टफोन है वो है शाओमी की तरफ से। कुछ टाइम पहले मी नोट 10 ग्लोबली लॉन्च हुआ था और अब लीक्स आ रही हैं ये फोन इंडिया में भी लॉन्च होगा। ये फोन बेसिकली दो पर्पस के साथ डिजाइन किया गया है, एक तो है गेमिंग और दूसरा है कैमरास। तो जो लोग गेमिंग के साथ कैमरास को भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्पेशली, ये फोन उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी इंप्रेसिव है। फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ आपको कर्व ग्लास देखने को मिलेगा। रियर साइड पे पेंटा कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब 5 कैमरास का सेटअप यहां पर दिया गया है। और ठीक उसके पास आपको LED फ्लैशलाइट की प्लेसमेंट दी गई है और यहां पर आपको सी टाइप पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये फोन काफी अच्छा होने वाला है। तो लुक और डिजाइन के मामले में ये फोन थोड़ा सा यूनिक होने वाला है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं अदर स्मार्टफोन से। तो ये फोन ऑलमोस्ट बेजल लेस होने वाला है। ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगी और ठीक नीचे की तरफ ना के बराबर बेजल देखने को मिलेंगे। इस फोन में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ। अगर आपने सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखे होंगे उसमें हमें एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह यहां पर भी एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलेगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। तो डिस्प्ले को लेकर यहां पर शाओमी ने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, काफी अच्छी डिस्प्ले यहां पर शाओमी ने प्रोवाइड की है। तो इस फोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर की जो खास बात है, ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बना है, यानी कि जो चिपसेट का साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड भी ज्यादा है। और क्लॉक स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपको पावर एफिशिएंसी भी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप हैवी ग्राफिक पे गेम खेलना पसंद करते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, S1 मॉडर्न कॉम्बैट 5 जैसी हैवी गेम खेलना पसंद करते हैं वो भी हाई ग्राफिक पे, तो डेफिनेटली आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, जो इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर होने वाला है। तो इस फोन में रियर साइड पे 5 कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। जो पहला लेंस होगा वो होगा टेलीफोटो लेंस और यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा 5x ऑप्टिकल जूम, 10x हाइब्रिड जूम और 20x डिजिटल जूम। सेकंड लेंस जो होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड पोर्ट्रेट लेंस जो आपको हेल्प करेगा पोर्ट्रेट पिक्चर कैप्चर करने के लिए। और जो थर्ड सेंसर होगा वो होगा 108 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर होगा f1.7 और यहां पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का भी सपोर्ट मिलने वाला है। उसके बाद जो फोर्थ सेंसर है वो है 20 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस और जो लास्ट सेंसर है वो है मैक्रो लेंस। तो यहां पर शाओमी ने पावर लोडेड कैमरास का सेटअप दिया है, लेकिन अभी जज कर पाना सही नहीं होगा जब तक ये फोन हाथ में आ नहीं जाता। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर 5000mAh के आसपास आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये है मी नोट 10 जिसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 25,000। ऑल इन ऑल ये फोन काफी अच्छा है, बाकी देखना ये होगा शाओमी इस फोन की इंडिया में क्या प्राइस रखता है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आप बताइए आप किस फोन के लिए एक्साइटेड हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।